हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिवाली इजी मेकअप लुक, और आप इवन इसको पार्टी में भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप बहुत कम टाइम में अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली में तो किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो घंटों तक बैठ के मेकअप कर सके। सो बहुत कम टाइम में आप इस वीडियो की मदद से बहुत अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करूँगी पतंजलि एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। ये जेल बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे NY का कंसीलर यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी, जहाँ इनकी ज़रूरत है। इस कंसीलर की मदद से आप अपने ब्लैक स्पॉट्स को कवर कर सकते हैं। ये कंसीलर लिक्विड बेस्ड है, सो ये बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर को पानी से गीला कर लूँगी। इसका एक्सेस वाटर मैं निचोड़ के पानी निकाल दूँगी। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके यूज़ करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड वो पैची नहीं दिखता। सो मैं यहाँ ब्लेंडर की मदद से प्रोडक्ट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसको आपको रब नहीं करना है, इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे 925 का नेचुरल लिक्विड फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है 02 रोज सिल्क। सो गाइस, ये फाउंडेशन लिक्विड बेस्ड है एंड काफ़ी अच्छा है, इजी टू ब्लेंड है एंड इसकी कवरेज की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी, छोटे छोटे डॉट्स में। मैं इस प्रोडक्ट को नेक एरिया में भी अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, इसको रब नहीं करना है, क्योंकि ब्लेंडिंग से ये एक्सेस प्रोडक्ट ब्लेंडर में आ जाता है एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, इंस्टेंट ग्लो देता है फेस पे। एंड गाइज, इस फाउंडेशन की प्राइस है 500 रुपीज़ फॉर 18 ml। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे 925 फ्लॉलेस मैट कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट, जिसका शेड है मेलोन मैट। सो जिसकी स्किन नॉर्मल टू फेयर है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है, ये कॉम्पैक्ट उनको काफ़ी अच्छे तरीके से सूट करेगा। एंड गाइस, मैं ये कॉम्पैक्ट बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो गाइज, इसकी प्राइस है 450 रुपीज़ फॉर 8 ग्राम्स। मे बी आप परचेस करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट पे ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट। इसमें 18 कलर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, मैं 3 कलर का यूज़ करूँगी। किसी भी मेकअप लुक में आई मेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपकी आई शेडो प्लस आई लाइनर, ये दोनों ही स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ मैं दोनों आईज में आई शेडो अप्लाई कर लूँगी एंड आई शेडो तब तक अप्लाई करना है जब तक ये पूरा ब्लेंड ना हो जाए, ऐसा ना हो कि कहीं कलर ज़्यादा कहीं कलर कम दिख रहा हो। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगी L18 का आई लाइनर। सो गाइस, आईलाइनर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मेकअप में। सो आप जब भी मेकअप करें आप आईलाइनर ज़रूर अप्लाई करें।
नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगी LA18 की आईब्रो पेंसिल। सो गाइस, मुझे इस वीडियो के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी DMs आए थे, बहुत से लोगों ने कहा था कि मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप करके बताइए। एंड बहुत से लोगों ने मुझे DM करके ये भी पूछा था कि कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो। सो उन सब के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। एंड बहुत से लोगों की प्रॉब्लम थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये शिकायत थी कि वो मेकअप तो करते हैं पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, बट कुछ टाइम बाद उनका फेस काला हो जाता है, या फिर वो जो जो शेड्स वो यूज़ कर रहे हैं वो उनकी स्किन टोन को सूट नहीं करता। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगी लैक्मे का आइकॉनिक काजल। सो गाइस, मैंने आप सबके रिक्वेस्ट पर ये इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप का प्रोसीजर बताया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट मैंने मास्कारा यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का लिपस्टिक यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड के ब्लश को एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी एंड मुझे जो जो पोर्शन हाईलाइट करना है वहाँ मैं इसे अप्लाई कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए।